हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, लिब्रा बेस डेटाबेस सीखने की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो लिब्रा बेस डेटाबेस की है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर नेम है, एक फील्ड ले रखी है मैंने नेम, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट है, इसको मैं पूरा दिखाता हूं आपको, यहां से विथ इसकी बढ़ा देता हूं। ये देख सकते हैं, ये फील्ड नेम है, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर यहाँ रोल नंबर है, फिर यहाँ सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से करके ये दिया हुआ है। यहां पर गलती से क्या किया था स्टूडेंट ने कि यहां पर कर दिया था वेयर केयर, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 1 है, जैसा कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बताया है कि यहां पर हमें नंबर डेटा टाइप चूज करना होगा, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स की रेंज मिल जाती है। तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेयर केयर ही रख करके और कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम भी रख लेते हैं यहाँ पे वेयर केयर, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर केयर रख लिया हमने, इसको भी हम वेयर केयर में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाकर के, और इसे भी बना देते हैं वेयर केयर, ठीक है। तो ये वेयर केयर कर दिया, फिर यहां पर भी इसको भी हम कर देते हैं वेयर केयर, तो यहां आकर के इसको भी बना दिया हमने वेयर केयर डेटा टाइप, फिर इसको भी हम बना देंगे वेयर केयर डेटा टाइप, तो यहां पर इसको भी बना दिया, और एट लास्ट ये भी हमारा रहेगा वेयर केयर डेटा टाइप, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसीलिए आपको आ जाती है, अब मान लीजिए ये तो टेबल बन गया, इसको सेव भी कर लिया हमने, ये सेव कर लिया, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये टेबल दिखेगी कैसे, ऐसे दिखेगी, ठीक है। इसमें कुछ डेटा भी मैंने फिल कर दिया है, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 मैंने दिया हुआ है। आप सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4, 5 के जगह उन सब्जेक्ट्स के नाम दे सकते हैं, बाकी रोल नंबर देख रहे हैं, रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया है, ठीक है। ये दूसरा नाम जो है, यहाँ पे कोई अदर नाम लिख देता हूं, लाइक ये मैंने लिख दिया सूरज, ठीक है। तो ये दो नाम भी मैंने लिख रखे हैं। अब हमको टोटल करना है, टोटल करने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बताया है, तो यहां से इसको क्लोज करता हूं। हम एक क्वेरी बनाएंगे, तो क्वेरीज पे चलते हैं, और यहां से क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पे आएंगे, और ये टेबल 1 है तो इसी को हमें लेना है, तो यहाँ पे एड करवा दीजिए, एड करके क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, यहां से इसको थोड़ा सा विथ बढ़ा लेनी है इसकी, इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहां से आप पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये नीचे की तरफ ड्रैग भी हो जाएगा, और ये सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। तो पहले रोल नंबर ले लिया हमने, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट लिया, फिर सब्जेक्ट 1 लिया, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और फिर सब्जेक्ट 5। इसी तरीके से हम करते हैं लिब्रा बेस डेटाबेस में। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, टाइटल देना है यहां पे, तो यहां पे टाइटल में मैं दे देता हूं टोटल। ये सारी चीजें हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन दिक्कत कहां हो रही है वो देखिए, यहां पर आते हैं। अब डब्ल्यूएटेड कोर्स, चूंकि ये लिब्रा बेस डेटाबेस है, देखिए ये ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस या लिब्रा बेस डेटाबेस की बात करें तो दोनों ही में आपको यहां पर डब्ल्यूएटेड कोर्स यूज करना है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता या एसक्यूएल होता तो दोनों ही में आप यूज करते स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, डब्ल्यूएटेड कोर्स को यूज करना है। तो पहले सब्जेक्ट का नाम है सब्जेक्ट 1, तो ये लिख दीजिए सब्जेक्ट 1, जिस तरह से लिखा गया है आपके टेबल में बिल्कुल वैसे ही लिखना है, प्लस का साइन लगाइए। फिर यहां पे करना है सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो यहां पर आप कर दीजिए सब्जेक्ट 2, आपको कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाना है यहां पे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डब्ल्यूएटेड कोर्स में सब्जेक्ट 2, डब्ल्यूएटेड कोर्स ओपन भी होगा फिर क्लोज भी होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट 2 कर दिया, फिर प्लस का साइन लगाइए। अब कर दीजिए सब्जेक्ट 3, तो डब्ल्यूएटेड कोर्स में लिखा मैंने सब्जेक्ट 3, फिर डब्ल्यूएटेड कोर्स को क्लोज कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाया, फिर प्लस का निशान लगाने के बाद यहां पे डब्ल्यूएटेड कोर्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर लिखेंगे सब्जेक्ट 4, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट 4 भी हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर डब्ल्यूएटेड कोर्स को ओपन कीजिए, फिर लिखिए सब्जेक्ट 5, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लिख देना है ये सब्जेक्ट 5, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत आएगी, जैसे मान लीजिए इसको हम सेव करते हैं, तो ये सेव का बटन है, यहां पे क्लिक कर दिया, अब ये क्वेरी 1 है, ठीक है। तो मैं इसे स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव करता हूं, स्टूडेंट क्यू, क्यू यानी क्वेरी, ओके। अब इसको मैंने सेव कर दिया, ये एस छूट गया, यहां पे एस लिख देते हैं, ये हो गया, ठीक है, ओके कर दिया, तो ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं, अब देखते हैं कि हमारा आंसर आया या नहीं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट क्यू को ओपन किया, अब आप देखेंगे कि यहां पे टोटल में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। देखिए पहले सब्जेक्ट्स में राम के कितने मार्क्स है, 45, तो आपको यहां 45 दिखाई पड़ रहा है, फिर यहां दूसरे में 67 है, तो 67 ये ऐसे ही करके लाइन से लिख दिया गया है, बट हमने तो ऐड किया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, प्रॉब्लम ऐसी क्यों आई, ठीक है। तो प्रॉब्लम इसलिए आई कि आपने ध्यान नहीं दिया, आपने गलती कर दी, क्या गलती की वो आपको दिखा देता हूं। जैसे ये टेबल हमारी है, ये तो क्वेरी हमने बनाया, टेबल पे आते हैं, ये आ गया टेबल पर, और टेबल ये हमारी है, इसको हम एडिट कर लेते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं और यहां एडिट दिया हुआ है, तो एडिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप यहां देख पा रहे होंगे
कि यहां पर सब्जेक्ट वन को हमने टेक्स्ट वेयर केयर बना दिया था, ठीक है, यहीं पर गलती हो गई। यहां ऐसी गलती आपने भी की होगी शायद, तो ये सवाल मेरे से पूछा गया है। नेम को तो आप वेयर केयर रखेंगे, नेम ऑफ द स्टूडेंट को आप वेयर केयर रखेंगे, लेकिन यहां पर इसे आप इंटीजर रखिए या तो नंबर रख लीजिए। तो मैं इसे न्यूमेरिक नंबर बना देता हूं और यहां पर भी हम नंबर बना देंगे इसको, ये यहां पे जाकर के इसको भी हम बना देते हैं डेटा टाइप इसका नंबर, तो इसको भी कर दिया नंबर, और एट लास्ट इसको भी नंबर कर देना है, ठीक है, तो इसको भी कर दिया हमने ये नंबर, ठीक है। यहां से इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद इसको अब क्लोज कर देते हैं, ठीक है, अभी हमने ये कर लिया है सही, ठीक है। अब आते हैं एक बार क्वेरी पर, ये क्वेरी जो हमने बनाई थी वो वही क्वेरी है जो हमने बनाई थी, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि यहां पर आपको टोटल बहुत ही आसानी के साथ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप किसी और भी स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करते हैं, लाइक 3 एंटर किया हमने, ठीक है, और यहां पे लिखता हूं अविनाश, एक और नाम एंटर कर देता हूं अविनाश करके, ठीक है, तो ये हो गया अविनाश। अब यहां पर हमने कुछ मार्क्स एंटर कर दिए, ये एंटर किया यहां पे, ये एंटर किया यहां पे, ये एंटर कर दिया यहां पे, और ये एंटर कर दिया यहां पे, तो यहां पे कुछ मार्क्स एंटर कर दिए, और मार्क्स एंटर करने के बाद जैसे ही नीचे आएंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर हैं तो अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पे इनका टोटल भी आ जाएगा। ये टोटल तब आएगा जब आप नंबर या इंटीजर डेटा टाइप लेंगे, ठीक है, आपको वेयर कैर या टेक्स्ट डेटा टाइप या कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं रखना, ये बात ध्यान रखनी है, इसी वजह से आपका टोटल नहीं आ रहा था, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ रही होगी, अब तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।